भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का सही समय क्या रहेगा, सूतक का समय क्या रहेगा तथा ग्रहण समाप्त कब होगा, ग्रहण कब से कब तक रहेगा। सूर्य ग्रहण के टाइम के संबंध में कई लोगों के मन में जो भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी भ्रम और संशय को दूर करने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यानी 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण भारत के अलावा ग्रीनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, तुर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मास्को, पश्चिमी रूस, नेपाल तथा भूटान सहित विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। और सूर्य ग्रहण जब आरंभ होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पूर्व उसका सूतक आरंभ हो जाता है और जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होगा वैसे ही ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा तथा ग्रहण का सूतक भी समाप्त हो जाएगा। 25 अक्टूबर को होने वाला सूर्य ग्रहण स्वाति नक्षत्र तथा तुला राशि में होने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के समय तुला राशि में 4 ग्रहों की युति रहेगी। इस ग्रहण के दौरान तुला राशि में सूर्य, चंद्र, शुक्र एवं केतु ये चारों ग्रह विराजित रहेंगे। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण का आरंभ 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को अपराह्न काल यानी 4:23 PM से शुरू हो जाएगा जो कि 25 अक्टूबर को शाम को 6:30 PM पर समाप्त हो जाएगा और ग्रहण प्रारंभ होने के ठीक 12 घंटे पूर्व यानी 24 और 25 अक्टूबर के मध्य रात्रि 4:23 से इसका सूतक लग जाएगा। सूतक के दौरान तथा ग्रहण के दौरान किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए, चाय, दूध, कॉफी, जूस इत्यादि कुछ भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रोगी है, वृद्ध है या फिर बच्चे हैं या फिर गर्भवती माताएं बहनें हैं या कोई दवाई आप नियमित रूप से लेते हैं तो आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई नियम नहीं रहेगा, आप खा पी सकते हैं। लेकिन ग्रहण के दौरान किसी को भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और ग्रहण तथा सूतक के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के मंदिर में दीपक अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए और आप चाहें तो प्रातःकालीन वेला में सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही अगर आपके घर में अमावस्या का पितृ कर्म होता है तो वो आप संपन्न कर सकते हैं लेकिन पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हैं। इस दिन आप चाहें तो ब्राह्मणों को सूखा अन्न यानी आटा, दाल, चावल इत्यादि वस्तुएं दान प्रदान कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। उनको धारदार वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको सुई के माध्यम से कपड़े नहीं सिलना चाहिए और कैंची से कुछ भी काटना पीटना वर्जित माना जाता है। चाकू से सब्जी नहीं काटना चाहिए। हंसिया, कुलाड़ी और अन्य कोई भी धारदार वस्तुओं का उपयोग गर्भवती माताओं बहनों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी को भी यात्रा नहीं करना चाहिए तथा इस दौरान आपको जो है किसी के साथ भी वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान का जाप करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें और अपने गुरु मंत्र का जाप करें और ग्रहण का 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी घटना होती है उसका पिंड यानी शरीर के ऊपर अवश्य ही प्रभाव होता है। तो वैसे तो इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो सभी राशियों के ऊपर अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलेगा।
और ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो मेष राशि के ऊपर धन लाभ होगा तथा वृषभ राशि के जीवन साथी को कष्ट हो सकता है और मिथुन राशि वालों को शुभ समाचार मिलेगा। वहीं कर्क राशि वालों को सम्मान की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों को विवादित स्थिति निर्मित हो सकती है। कन्या राशि वालों को सम्मान मिल सकता है। तुला राशि वालों को कष्ट हो सकता है। वृश्चिक वालों को हानि हो सकती है। धनु राशि वालों को सम्मान मिल सकता है। वहीं मकर राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि वालों को आघात या कोई भी घात की संभावना निर्मित हो सकती है। मीन राशि वालों को विवादित स्थिति निर्मित हो सकती है। तो इस तरह आपको जो है ग्रहण का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा और ग्रहण का सूतक जब आरंभ हो जाए तब आप अपने मंदिर के घर के पट बंद कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार से आपको पूजन पाठ या देवताओं के संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान केवल आप भगवान का भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, अपने इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण जैसे ही समाप्त हो जाए वैसे ही आपको स्नान करना है, शुद्ध ताजा भोजन तैयार करना है, भगवान का पूजन अर्चन करना है, भगवान को स्नान कराना है तथा भगवान को धुले हुए कपड़े पहना करके उनका श्रृंगार करना है, आरती उतार करके उनको भोग लगाए तथा पूरे परिवार के साथ भोजन प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण के बाद अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान का महान पुण्य बताया गया है। तो आप इसके बाद जो भी दान पुण्य करेंगे उसका सबसे अधिक पुण्यफल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आप ग्रहण का समय अवश्य ध्यान में रखें और ग्रहण का जब सूतक आरंभ हो जाए तो अपने अपने घरों में आप भोजन सामग्री यदि रखी हुई है, खाने पीने की वस्तु रखी हुई है या बिस्तर है या कपड़े हैं तो उनमें तुलसी जी के पत्ते या कुशा आपको रख देनी चाहिए जिससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी कोई भी वस्तु यदि आपके घर में है तो उसमें आपको तुलसी जी या फिर कुशा अवश्य ही रख देना चाहिए और ग्रहण के दौरान भोजन तैयार नहीं करना चाहिए। सब्जी भी काट करके नहीं रखना चाहिए, आटा लगा करके नहीं रखना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद ही स्नान करने के बाद आपको भोजन आदि कार्य करना चाहिए और ग्रहण के दौरान यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप दूध या दूध से बनी वस्तुएं सेवन कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को इस दौरान जो है निर्जला निराहार व्रत का पालन करते हुए भगवत भक्ति करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। यदि आप कंठ तक पानी में खड़े रह करके ग्रहण के दौरान कोई भी मंत्र का जाप करेंगे तो उसका पुरुष चरण सिद्ध हो जाएगा। जैसे गायत्री माता के गायत्री मंत्र के 24 लाख जाप करने से उसका पुरुष चरण सिद्ध हो जाता है। अगर आप जल में कंठ तक खड़े रह करके इस दौरान सूर्य ग्रहण के समय यदि गायत्री मंत्र का एक भी मंत्र जाप कर लेंगे तो आपको 24 लाख गायत्री मंत्र जाप करने का महान पुण्य फल प्राप्त होगा तथा ग्रहण के दौरान आपको जो है कंबल के आसन का उपयोग करना चाहिए या संभव हो तो आप कुशा के आसन का उपयोग करें। इस दौरान कपड़े के आसन का उपयोग बैठने में या फिर सोने इत्यादि में नहीं करना चाहिए। वैसे तो ग्रहण के दौरान सोना भी वर्जित माना जाता है। आप अपने घर में रहकर ही भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, खुली आंखों से ग्रहण को देखना भी वर्जित माना जाता है। ग्रहण के दौरान पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान पति पत्नी को जो है ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनके बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़े और ग्रहण के दौरान सभी को परम सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि जब सूर्य भगवान को जो है राहु और केतु ग्रसित करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य भगवान के ऊपर तथा अन्य देवताओं के ऊपर कष्टमय स्थिति रहती है। इसलिए हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य होता है कि उनके इस संकट काल में भगवान का भजन करके जो है पुण्य को प्राप्त करें, कीर्तन करें, भजन करें तो निश्चित तौर से हमें महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।